कुछ म्यूजिक म्यूजिक लगाओ। मेरा बड़ा विश्वास है कि इस मिनिस्ट्री के साथ जो जो भी जुड़े हैं वो बड़े ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, बड़ी गवाहियों के साथ वो खड़े होंगे। सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और से बोधल गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही ही जे जब बता रहे कि जिनकी बहुत ही चाहत थी कि जैसे जो लोग अपना 25 सितंबर के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए जो अपना स्पेशल सीट देना चाहते थे, पर ये सिस्टर बता रहे कि इनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था और जिसके कारण जो बहुत परेशान थे, क्योंकि जो बता रहे कि इनका एक लोन चल रहा था जो कि 2 साल हो गए और जब बता रहे कि उसकी जो किस्त थी 1000 रुपया जो देते थे और जब बताते कि उससे इनको कुछ पैसे ऐसे मिल जाते थे और इन्होंने उन लोगों को भी पूछा कि इस बार हमारे पैसे आए, तो जब बता रहे कि उन्होंने भी इनको मना कर दिया कि इस बार आपका ऐसे कोई भी पैसे नहीं आए और जिसके कारण जो बहन बहुत ही परेशान थी क्योंकि इनको पैसों की जरूरत थी और जो बता रहे कि इनका बहुत मन था कि जी परमेश्वर के लिए ज़्यादा करना चाहते थे। और जैसे ही जब बता रहे कि जब जे सिस्टर 8 दिसंबर थर्सडे की मीटिंग में आए और जब बता रहे कि जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई कि जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं परमेश्वर उन्हें बहुत सारा ब्लेस करने वाले हैं, तो जैसे ही जे सिस्टर ने बताया कि जब प्रभु के दास के द्वारा जो वर्ड आया तो इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मेरा बड़ा विश्वास है कि इस मिनिस्ट्री के साथ जो जो भी जुड़े हैं वो बड़े ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, बड़ी गवाहियों के साथ वो खड़े होंगे, हर कर्ज से, हर प्रॉब्लम से वो बाहर आएंगे और उस जीवित परमेश्वर की वो दिल से खुशी से ढोल के साथ तारीफ करेंगे, वो धन्यवाद करेंगे। आमीन। हमने इस संडे भी गवाही सुनी ना, तो ठीक है, जो ऑनलाइन है उनके लिए जो देख चुके हैं आप इस काम के लिए आना आगे, क्योंकि परमेश्वर सच में लोगों को उसकी आशीष देता है। वर्ड को, इस घोषणा को इन्होंने रिसीव किया और जब बता रहे जो धन्यवाद में बने रहे, प्रार्थना करते रहे कि सच में परमेश्वर आपके दास के द्वारा जो वर्ड आया है और मैं विश्वास करती हूँ कि निश्चय परमेश्वर में अपनी गवाही को ढोल के साथ दे चुकी हूँ और आप मेरे लिए इंतजाम कर चुके हो। और फिर से जब बता रहे कि जब इन्होंने अपनी किस्त देनी थी, इन्होंने बताया कि उस लोन वाले भाई ने इनको बोला कि आपके यहाँ से कुछ पैसे आए हैं 20,000 और जैसे जब बता रहे कि जब जे पैसे लेने के लिए गए तो जब इन्होंने अपना फिंगरप्रिंट अपना अंगूठा लगाया तो जब बता रहे कि जो वो भैया था वो इनकी ओर देखकर हंस पड़ा, तो इन्होंने बताया कि आप ऐसे भैया क्यों हंसे, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आपके हमने तो कहा था कि आपका 20,000 है पर आपके तो 34,000 रुपये आए हैं। और जब बहुत ही खुश हुए, इन्होंने धन्यवाद किया कि सच में जो मैंने सोचा भी नहीं था, जैसे ही परमेश्वर ने उस दिन मुझे मीटिंग में इस वर्ड के द्वारा ब्लेस किया था और सच में परमेश्वर ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया और जैसे इनको 34,000 मिल गया तो इन्होंने बताया कि उससे इन्होंने जो परमेश्वर के आदर के लिए 25 सितंबर के लिए अपना स्पेशल सीट दे दिया और जो पैसे इनके बच गए थे 30,000, जब बता रहे कि इनका बहुत ज़्यादा कर्ज था, इनका जो कर्ज था 70,000 रुपया था और जब बता रहे कि उससे इन्होंने 30,000 रुपया वो भी दे दिया और उसमें से अपनी किस्त भी दे दी और इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, क्योंकि जैसे इन्होंने अपना मन परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने भी इनको ब्लेस किया और 70 से इनका 40,000 रुपया भी रहता था।
तो इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मैं गवाही ढोल के साथ देना चाहती हूँ और आप मेरा जितना भी जो कर्ज है 70,000 जब पूरा ही परमेश्वर हमारे हमें इस बोझ से हमें फ्री कर चुके हो, क्योंकि जो बता रहे हैं कि पहले इन्होंने जब पैसे लिए थे सिर्फ इन्होंने 25,000 लिया था, पर 1.5 साल हो गया था कि इनका ब्याज बनकर टोटल इनका 70,000 हो गया था और जिसके कारण जो बहुत ही परेशान थे, और जैसे इन्होंने परमेश्वर के लिए किया तो परमेश्वर ने इनके रास्ते को खोला। ऐसे बता रहे कि इनका कुड़ुक्का है जो इन्होंने सेल करना था तो उसके लिए भी इनका काम रुक जाता था, हो नहीं रहा था, उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ते को खोला तो वो सेल किया तो जो उससे इनको पैसे मिले तो वो इन्होंने जो बाकी का 40,000 था वो भी इन्होंने दे दिया। और आज ये बता रहे कि जो 1.5 साल हो गया था हमारे हम पर एक बोझ था 70,000 का, क्योंकि वो लोग इनको बहुत ही परेशान करते थे और इनको हर महीने 2,500 रुपया देना था, पर इनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं था होता जिसके कारण से परेशान रहते थे। पर जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके जीवन को ब्लेस किया और अपने मन को इन्होंने परमेश्वर के लिए खोला तो परमेश्वर ने भी इनके रास्ते को खोला और आज इन पर कोई भी कर्ज नहीं है। परमेश्वर ने पूरा जो 1.5 साल का इनका कर्ज था 70,000 परमेश्वर ने उससे इनको आज फ्री कर दिया है। और प्लस आज इस खुशी से डोल से जे परमेश्वर की महिमा के लिए आए और सच में कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते। हम सब इस खुशी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। दिल खुशियां दे नाल भरिया, दिल खुशियां दे नाल भरिया, दिल खुशियां दे नाल भरिया। मैं किनू किनू दसां, मैं उछली उछल के नचा, मैनू बरकतां दित्तियां यसू ने, मैं उछली उछल के नचा, मैनू बरकतां दित्तियां यसू ने, उछल के नचा, मैनू बरकतां दित्तियां यसू ने। Amen. 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 इनके पास आओ थोड़ा माइक लेके। हाँ, मुझे बताओ कि इनको दे दो। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया? पापा जी 1 साल हो गया, बड़े दिन तो यही आए हैं पिछली बारी। इसी मिनिस्ट्री में आए के कहीं पहले आप और भी जगह थे? नहीं पापा जी, इत्थे ही आए। यहीं से शुरू किया है? हाँ जी पापा जी। देख लो कितने साल का कर्ज था? पापा जी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल कितने पैसे लिए थे? 25,000 पापा जी लिया है तो 70,000 बन गया है। देख लो 25,000 लिया और बन कितने गए? 70,000 और एक बोझ के नीचे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ तले लोगों मेरे पास आओ और अपना भारी वाला बोझ मुझे दे दो। क्या दे दो मुझे? देखो खुदावंद, मैं एक आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। जब हन्ना परमेश्वर से बच्चा चाहती थी, क्योंकि उसके कोई भी बच्चा नहीं था, तो वो भवन में जाया करती थी, खुदावंद के भवन में जाया करती थी। क्या करती थी? और प्रार्थना भी करती थी। क्या करती थी? कि प्रभु मुझे दे। पर जब तक उसने कर्म नहीं किया और अपने मन में ये नहीं सोचा, आपको पता नहीं है परमेश्वर अपने नेक काम के अरादे को फिलिप्पियों 2:13 में लिखा, वो अपनी सुविच्छा के आपके मनों में डालता है, हर एक के डालता है, ऐसा नहीं नहीं डालता। पर कुछ लोग शरीर में जब होते हैं तो वो शरीर उस पर मन लगा लेते हैं कि नहीं 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 मैं हो कर नहीं पाती। जब शरीर में होते हैं, जब शरीर में होते हैं तो वो कर नहीं पाते। समझ आ रही नहीं? तो हन्ना ने तो परमेश्वर से वो जब प्रार्थना कर रही थी उसे कि परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, मिल नहीं रहा था। पर एक दिन परमेश्वर ने जब अपनी सुविच्छा को डाला और कहा कि अगर तू मुझे देगा तो मैं वो भी बेटा तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और खुदा ने दिया, उसकी सुनी। एक पीनी था और कितने मिले? कितने मिले? सुनो,
लुका 18 में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुओं के लिए देर नहीं करता। क्या नहीं करता? समझ आ रही है? पर जब हम अपने हृदय को, मन को खोलते हैं तो परमेश्वर बड़ी जल्दी उस चीज को करता है। बोलो क्या है? बड़ी जल्दी करता है। 1.5 साल से बोझ था इनके ऊपर। एक सबसे पहले तो मन में सोचा कि हम ढोल के साथ, जिस दिन प्रभु ये बोझ से हमारे ऊपर, जिस दिन ये गरज उतरा, हम ढोल के साथ गवाही देंगे। सबसे पहले तो ये मन में प्रभु की महिमा के लिए सोचा। क्या सोचा? ये अपने मन में सोचा। फिर ये सोचा कि जैसे अभी हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये कर्ज के नीचे थे और पहले से ही कर्ज लिया था। कितने लोन थे आपके पहले? पापा जी ते अन्ना चल रंडा। 3 लोन चल रहे थे। हाँ जी पापा। कितने कितने के थे? पापा जी 4,000 एक किस्त जानती ही ते 2,000 एक ही। वो लोन कितने कितने के थे? कितने हजार के थे? पापा जी 50,000 दे। 50,000 के। हाँ जी। वो 3 लोन थे। हाँ जी पापा जी। 15,000 पापा जी कटना पैंदा है किस्त दा, ते इधर दा 2,500 जड़ा ब्याज पैंदा है वो दित्ता नहीं जांदा। अच्छा, वो 70,000 का 25। हाँ जी। और ये अलग से इसका भी। हाँ, इसकी भी किस्त देते थे। हाँ जी। और समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इस चीज से हम बाहर आए। हाँ जी पापा जी। देख लो, जब परमेश्वर अनुग्रह करता है, क्या करता है? जब परमेश्वर अनुग्रह करता है और अपनी सुविच्छा को डालता, और कोई इंसान उसके लिए अपने मन को तैयार करता है, जैसे इन्होंने अपने मन को तैयार किया, फिर आपने क्या सोचा? थोड़ा बताओ मुझे। पापा जी मैं मन च यह सोचा है भी परमेश्वर मेनु साल हो गया तेरी हजूरी च आउंदिया, तो हुण मैं 25 तरीक ते फिर चलनी आ, ते मैं बदल के आना चाहनी, मैं उदा सेम नहीं रहना चाहती। नहीं सेम तो ओके। हाँ, पर प्रभु के लिए अपने ये जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए आपके मन में क्या सोचा? पापा जी मेरा इरादा है मैं 4,000-5,000 दा खर्चा करके जावा परमेश्वर दे घर। देख लो, ने मेरा पूरा कीती, मैं सच्ची 4,000-5,000 दा खर्चा कीता पापा जी। हुण एक गरीब बंदा भी, बोलो क्या है, वो प्रभु के काम के लिए कितना दे रहा है? बोलो कितना दे रहा है? जब ऐसा किया तो और लोन जो लेना चाहते थे ऑलरेडी पहले से ऊपर था, खुदावंद ने रास्ता खोला, वो 20 कह रहे थे 34 मिला। कितना मिला? 34 मिला। और उसे इन्होंने आदर किया और बाकी पैसे इन्होंने अपने जो कर्ज था इनका 30,000 दे दिया है ना। और उसके बाद इनका एक कुड़ुक्का, समझ देना कुड़ुक्का, जो भार ढोने वाली गाड़ी, जो हिंदी, जो लोग ऑनलाइन है दूर से हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये कुड़ुक्का शब्द ये पंजाबी का है। हाँ, पीटर फोर्ड कहते हैं जी उसे। हाँ, तो हम तो कुड़ुक्का बोलते हैं अपने, है ना, समझते हैं। तो ये उनका, इनके पास था, ये अपना काम करते थे, पर वो काम चल नहीं रहा था, तो वो भी खड़ा था ऐसे ही, वो बिक नहीं रहा था, बड़ी लंबे समय से वो बिक नहीं रहा था। पर मैंने इन्हें बोल दिया था कि परमेश्वर आपके साथ बहुत जल्द सब कुछ अच्छा करने वाला है। वो भी 30,000 भी आपने, वो कितने का सेल किया? 45,000 वो सेल हो गया, 40 वो, 30 हो, 70,000 अब क्लियर है। हाँ जी पापा। अब कोई गरज नहीं है। नहीं पापा। आप 2,500 पे तो नहीं करना, करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पापा। आप कोई बोझ तो नहीं है? नहीं पापा जी। आप कितना खुश हो? बहुत ज्यादा पापा जी खुश हैं मैं। कैसे लोगों को पता है? पापा जी मैंने समझ ही नहीं लगी। नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कितना खुश हो? चलो आइया बरकता साडे वेड़े, आइया बरकता साडे वेड़े, खुशियां होइया चार सुफेरे, खुशियां होइया चार सुफेरे, तू यो मेरे दिल दा वाली, तू यो मेरे दिल दा वाली, सबनू जा जा दसा
उछल उछल के नचा मैनू बरकता दितिया यीशू ने, उछल उछल के नचा मैनू बरकता दितिया यीशू ने। दिल खुशिया दे नाल भर आया, दिल खुशिया दे नाल भर आया, दिल खुशिया दे नाल भर आया, दिल खुशिया दे नाल भर आया। तैनू जादा दसा उछल उछल के नचा मैनू बरकता दितिया यीशू ने, उछल उछल के नचा मैनू बरकता दितिया यीशू ने। उछल उछल के नचा मैनू बरकता दितिया यीशू ने। सुनो ये पैसे उठा लो, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते तो नहीं है, पर अगर इन्होंने हमें पहले बताया होता तो हम करने ना देते। पर ये खुशी है इनकी, क्योंकि खुदावंद ने इनके बोझ को हल्का किया है। बोलो क्या है? इनके बोझ को हल्का किया, ये इसलिए ये ऐसे खुशी मना रहे हैं। ये पैसे अगर कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ किसका आदर है? ये किसका आदर है? ये परमेश्वर का आदर है। समझ आ रही है? सुनो एक चीज, सारे ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का पक्षपात नहीं करता। क्या करता है? करता है परमेश्वर तो नहीं ना करता, नहीं ना करता, तो वो सबके साथ। अगर कोई भी करस में और परेशान है, उनके साथ भी प्रभु इस गवाही के साथ रिसीव करो इस गवाही को। मैंने कहा रिसीव करो इस गवाही को। उनके साथ भी ऐसा हो चुका है, जो लोग कर्ज के नीचे हैं, किसी बोझ के नीचे हैं, किसी भी तरह के, जो ऑनलाइन भी हैं, उनके साथ भी प्रभु ऐसा कर चुका है। आमीन, आमीन। ये मास्टर कहां से लेकर आए हो? ये कहां से मास्टर लेकर आए? ये तो लगता नहीं है कि हमारे पंजाब अमृतसर शहर का है। कहां से आया भाई तू? बाहर से आया है। चल दिखा थोड़ा सा। आ! क्या बात है, ये मास्टर लगते हैं पूरे। हैं तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से।